अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन क्विज कोर्स में आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं चहरुम का मज़मून रियाजी ज़ुमरा पैमाइश पढ़ रहे हैं हम। आज का हमारा 29वां दिन, 29वीं सरगर्मी। आज हम पढ़ेंगे हजम और समाई। हजम यानी किसी चीज़ में कोई चीज़ कितनी समा जाती है, ये हम देखेंगे। देखिए, आपको सामने तस्वीर दिखाई दी जा रही है, इस तस्वीर में आपको क्या बताया जा रहा है आपने ध्यान से देखना है। पहली तस्वीर में जो लड़की आपको दिखाई जा रही है, उसने क्या किया है कि 10 लोटे भरकर पानी डालने पर ये बाल्टी मुकम्मल भर जाती है। कितने लोटे डाली हुए? 10 लोटा, जो लोटा बड़ा होता है हमने। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में क्या बताया जा रहा है कि एक लड़का जो है वो 40 गिलास पानी डालने पर ये बाल्टी मुकम्मल भर जाती है। दोनों में फ़र्क आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब लड़की पानी डालती है तो लड़की ने जब लोटे से पानी डाला तो सिर्फ कितने लोटे दिए? 10 लोटों में बाल्टी भर गई। लेकिन जब लड़का डाल रहा है पानी तो यहाँ पर उसको 40 गिलास भरकर पानी डालना पड़ा, तब जाके बकेट भरी। ऐसा क्यों हुआ आपने बताना है, अपने दिमाग पर थोड़ा ज़ोर लगाएंगे और बताएंगे। बिल्कुल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गिलास और लोटे में दोनों में फ़र्क है। गिलास के मुकाबले लोटे में पानी ज़्यादा समाता है, ज़्यादा बैठता है उसके अंदर, इसलिए कम लोटे डालने के बावजूद वो बकेट भर गई, बाल्टी भर गई। और गिलास को ज़्यादा, गिलास छोटा होने की वजह से उसमें 40 गिलास पानी डालना पड़ा। अब आपने क्या करना है, आपने भी एक अमल करना है। क्या करना है कि आपके घर की जो एक बाल्टी में इसमें कितने गिलास पानी भरने पर आप भरती है, वो आपको मुशाहिदा करना है और उसका इंतराज करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसी बाल्टी को, क्योंकि बाल्टी की जो है, बाल्टी की साइज़ हर एक के घर के अलग अलग होंगी, आपने क्या करना है उसमें उसी बाल्टी को खाली करना है और दोस्त के घर से लाए हुए गिलास से पानी भरे और इसका भी इंतराज करें। पहले अपने गिलास से करें, फिर घर के दूसरे दोस्त के घर से लाए हुए गिलास से भरें, फिर उसका नतीजा करें कि दोनों में कितना फ़र्क आ जाएगा। और दूसरा अमल क्या करना है कि आपने क्या करना है, उस बाल्टी को 1 लीटर वाली बोतल की मदद से भरेंगे। जैसे अपने पास पानी की बोतल होती है 1 लीटर की, वो आपने क्या करना है उसको लेना है और फिर उस बाल्टी को क्या करना है, भर भर के उसके अंदर बोतलों से पानी डालना है। जब बाल्टी मुकम्मल भर जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, बाल्टी को फिर से खाली करना है और दोबारा उसी 1 लीटर जो बाटली बोतल थी उस बोतल से क्या करना है, पानी भरे। यानी कितनी बोतलें पानी इसके अंदर समाता है उसको हमने दर्ज करना है, इंदराज करना है और इसका नतीजा खस करेंगे हम। क्या होगा, बोतल से दोनों जब आपके दोस्त उसके अंदर पानी डालेंगे तो बराबर एक जैसे तादाद हो जाएगी। तीसरा अमल क्या करना है कि 1 लीटर की पानी की बोतल से घर की बाल्टी, घड़ा, मटका वगैरह पानी से भरें, हर एक में कितने बोतल पानी समाता है इसका आपने इंदराज करना है, इसको आपने नोट डाउन करना, लिखना है। इस अमल के बाद तुम्हें क्या बात मालूम होगी, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को में बताओ और अपने बयाज में इसका इंदराज करो, ये आपकी सरगर्मी है। उसके अलावा झील की तस्वीरों को आपने क्या करना है, चीज़ों को, तस्वीरों को आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हुए देखा है इसको भी आपने बताना है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए सबसे पहले तस्वीर बोतल की है, 1 लीटर बोतल की, और दो जो है पैमाइश की इकाइयाँ बताई जा रही हैं, इसको आपने कहाँ पर देखा है वो बताना है। दुकान या घर में अक्सर ये अल्फाज आपने सुनाए होंगे कि 100 मिलीलीटर नारियल तेल, 2 लीटर दूध, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 1 लीटर मीठा तेल, 1 मीठा तेल का पैकेट वगैरह, इस बात आपने समझी होगी। यानी कुल मिलाकर 1 लीटर कब बनता है, यानी जब 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर यानी एक छोटी इकाई है मिलीलीटर, और जब 1000 मिलीलीटर अगर इकाइयां मिल जाती हैं तो एक क्या होता है, 1 लीटर बनता है, यानी 1 किलो लीटर बनता है। हमने सुना होगा कि जब हम तेल का पैकेट लाते हैं उस पर लिखा हुआ होता है, 900 ml, यानी वो मुकम्मल 1 लीटर तेल नहीं है, उस पर लिखा हुआ है 900 ml, मतलब मिलीलीटर, 900 मिलीलीटर तेल है उसके अंदर। 1 किलोलीटर के लिए कितने ml की ज़रूरत होती है,
हज़ार एमएल की ज़रूरत होती है। यह हमको क्या करना है, समझना है। उसके अलावा आप हम जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले जो चीज़ें हैं, माय चीज़ें जो मिली लीटर में नापी जाने वाली लीटर में चीज़ें नापी जाती है, आपने रोज़ाना दूध लाते होंगे, आप पैकेट दूध का पैकेट लाते हो, आपने उसका मुशाहिदा करना है कि दूध के पैकेट में कितना दूध है, ना कितने ml दूध है, मिली लीटर है, एक किलो लीटर है, क्योंकि ml में आता है वो बहुत सारी चीज़ें। हमने दवाइयों की शीशी आपके घर में होंगी, आपने उसको भी निकाल के देखना है कि उसमें ml कितनी ml दवाई है। और आमतौर पर जो बच्चों को दवाइयाँ पिला जाती है छोटे ढक्कन में, ढक्कन पर भी लिखा हुआ होता है कि कितने ml दवाई देना है उसको, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, इसका आपने मुशाहिदा करना है। यानी माय चीज़ें जो हैं, यानी पतली चीज़ों को नापने के लिए मिली लीटर इसी इकाई का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपको सवाल दिए गए हैं, हल करना है। अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की मदद भी आपने लेना है कि घर में कौन कौन सी चीज़ें इन पैमानों की मदद से नापी जाती हैं, इनकी फहरिस्त आप तैयार करना है। मिली लीटर में आपके घर में क्या क्या लाया जाता है, दूध लाया जाता है या फिर दवाई लाई जाती है और कोई चीज़, दही लाई जाती है। इसके अलावा लीटर में कौन कौन सी चीज़ें लाती हैं आप और किलो लीटर में कौन कौन सी चीज़ें आप लाते हैं, ये सारी आपको क्या करना है, नापना है। और बेकार चीज़ें से जो आप घर में बकेट वगैरह है उससे आपने 1 लीटर की समाई वाला नाप तैयार करना है।